आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स। वर्ब्स तो सबने पढ़ी होगी, सबको पता होगा कहीं ना कहीं कि वर्ब्स एक्चुअली में होती क्या है। वर्ब्स का मतलब क्या होता है? क्रिया। कोई भी जो काम होता है, कोई भी क्रिया होती है, उसको हम वर्ब्स बोलते हैं। वर्ब्स का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया। क्रिया मतलब कोई भी काम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मैं इसमें क्या काम कर रही हूँ? टीचिंग। टीचिंग क्या हो गई? हमारी वर्ब, ठीक है ना, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ। वर्ब्स डिनोट्स एक्शन, एज आई सेड, एंड डूइंग वर्क, कोई भी काम करना, ठीक है। वर्ब्स के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड मेन वर्ब। ऐसे तो वर्ब्स होती है रेगुलर, इरेगुलर, बट वो चीज़ पीछे, वो चीज़ बहुत यू नो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। जो चीज़ मेन है, हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे। फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड है मेन वर्ब। पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब मतलब वो वर्ब्स जो हमें, जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी स्टेट बताती है, उसका टाइम बताती है कि एक्चुअली में जो काम है वो कब हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, अगर हम स्टेट ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं, मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है कि जो हमारा काम है वो पास्ट में हो चुका है, या प्रेजेंट में चल रहा है, या फिर फ्यूचर में होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज। क्यों? क्योंकि ये क्या डिनोट कर रही है? और ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या है? वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम, जब हमने देखा कि यहाँ पे इज आ चुका है, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, तो स्टेट ऑफ सब्जेक्ट क्या है? प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताता है? स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। अब हम आते हैं मेन वर्ब पे, सॉरी मेन वर्ब पे हम आते हैं। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब हमारी होती है एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या था? स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, कि कौन सा क्या काम हो रहा है। यहाँ पे तो हमें टाइम बताते हैं कि कब हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, या फ्यूचर में। यहाँ पे क्या, कौन सा काम हो रहा है? एक एग्जांपल हम देखते हैं। वही एग्जांपल अगर हम मेन वर्ब में लेते हैं, तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल, इसमें ये सब भूल जाओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट वगैरह, यहाँ पे ध्यान दो प्लेइंग पे। प्लेइंग क्या है? हमारी मेन वर्ब। सबसे मेन क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है यहाँ पे? खेलने का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो प्लेइंग हो गई हमारी मेन वर्ब। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो मेन वर्ब की तरह भी काम करती है, ठीक है, लेकिन जो, हाँ, मेन वर्ब की तरह काम करती है। मुकेश डज हिज वर्क ऑन टाइम। डज क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब है, ये तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ी थी। जी, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि डू डज, डू डिड डन, डज डिड डन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई डज। यहाँ पे डज को मतलब होता है करना, कोई काम करना। मुकेश अपना काम टाइम पर, मुकेश अपना काम टाइम पर करता है, सॉरी, हाँ, मुकेश डज हिज वर्क ऑन टाइम। यहाँ पे डज हो गया हमारा मेन वर्ब, ठीक है। बाकी इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं अभी। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैंने थोड़ा घिचपिच कर दिया है सर्कल वगैरह बना के, बट डोंट वरी, मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। वर्ब्स denotes action, doing work, helping verb, state of subject, past, present, future, Ram, for example, Ram is playing football, main verb, action of subject, for example, Ram is playing football, or second example, Mukesh does his work on time, alright, so you guys just take screenshot. अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, सेकंड होता है मॉडल्स ऑक्सिलरीज। बी होता है हमारा मॉडल्स ऑक्सिलरीज। फर्स्ट हम आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज पे।
प्राइमरी ऑक्सिलरीज चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द पर्सन. प्राइमरी ऑक्सिलरीज मतलब वो हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे पर्सन्स के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होगी. अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगती है, सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगती है, मैंने टेंस में बताया था ना, वही चीज़ यहाँ पर है. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन. इसके भी तीन टाइप्स होंगे. इन द फॉर्म ऑफ टू बी, इन द फॉर्म ऑफ टू बी में कौन सी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आएगी, एम इज आर वॉज वर. सुना सुना लग रहा है, टेंस में पढ़ा था ना कि ये हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ आती है, किसके साथ आती है. सॉरी. सेकेंड है इन द फॉर्म ऑफ हैव. इन द फॉर्म ऑफ हैव में क्या होगा, हैज, हैव, हैड. एंड द लास्ट वन इज इन द फॉर्म ऑफ डू, डू, डज, डिड. अब इसमें एक चीज देखिए, इज, एम, इज, आर हमारा क्या किसके साथ यूज होता था, प्रेजेंट के साथ यूज होगा, वॉज, वर, पास्ट के साथ. हैज, हैव हमारा प्रेजेंट के साथ, हैड हमारा यूज होगा पास्ट के साथ, डू, डज प्रेजेंट के साथ, डिड हमारा होगा पास्ट के साथ. तो कुछ भी नहीं है इसमें, बस वही सारी हेल्पिंग वर्ब्स है, इनको बस अलग अलग क्लैरिफाई कर दिया है इनको. इन द फॉर्म ऑफ टू बी में तो हमारा क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस वाली सारी हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी जो कॉन्टिन्यूस में हम यूज़ करते थे. ठीक है, कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते थे वो हमारी टू बी में आ गई. हैव इन द फॉर्म ऑफ हैव में क्या आएगा, जो हम परफेक्ट में यूज़ करते थे. और इन द फॉर्म ऑफ डू में क्या आएगा, जो हम इनडेफिनिट में यूज़ करते थे. ठीक है ना, टू बी के साथ कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगेगा. और इन द फॉर्म ऑफ हैव में कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. इन द फॉर्म ऑफ इनडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म कब लगती थी हमारी, जब हमारा डिड नहीं आता था. पास्ट इनडेफिनिट में अगर डिड नहीं आएगा सिंपल सेंटेंसेस में, हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज लेते थे. बाकी तो वही होगा, वी वन प्लस आई एन जी, वी थ्री, वी वन. ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरीज. अब हम आते हैं मॉडल्स ऑक्सिलरीज पे. मतलब ये हमारे मॉडल्स ही हैं, यूज्ड विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर. जो मॉडल्स ऑक्सिलरी वाली जो वर्ब्स होती हैं वो हमारी सिर्फ मेन वर्ब्स के साथ लगती हैं, ये कभी भी अकेले यूज नहीं होंगी, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होंगी. और क्यों यूज होती है, टू एक्सप्रेस द मूड ऑफ स्पीकर, जो इंसान है उसके स्पीकर उसके बिहेवियर के बारे में ये बताता है. ये मॉडल्स का मैंने पूरा टॉपिक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें सारे मॉडल्स मैंने अच्छे से समझा रखे हैं, मेन मॉडल्स. ठीक है, कि कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, ये हमारे मॉडल्स हो गए और इनका एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है. तो हम आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब हम आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स पे. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पे हम आते हैं तो देखो, ये भी दो तरीके से होती हैं, ये वर्ब्स भी दो तरीके से होती हैं. पहला हेल्पिंग वर्ब, फिर फुल वर्ब या मेन वर्ब. मैंने बताया था इन दोनों का मतलब क्या होता है. जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स जो हमारी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, डिड, ये सारी जो हमारी वर्ब्स होती हैं, इनको हम दो तरीके से यूज़ करेंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होंगी या वो मेन वर्ब की तरह यूज़ होंगी. एग्जाम्पल्स से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. तो हम एग्जाम्पल देखते हैं. शी इज रीडिंग द बुक, वह किताब पढ़ रही है. इसमें देखो, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट. इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब. सॉरी मुझसे इस हाथ से लिखा नहीं जा रहा. हाँ, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब. रीडिंग हमारा क्या है, मेन वर्ब. और द बुक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट. तो देखिए, इसमें इज हमारा आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, किसके साथ आ रहा है, मेन वर्ब के साथ. तो यहाँ पे जो हमारा इज है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. ही हैज रेड द बुक.
एक बात बताइए, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेड. स्पेलिंग सेम होगी, रीड रेड रेड. रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड वर्ब रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म. हम प्रोनाउंस सेम करते हैं, प्रोनाउंस अलग करते हैं, स्पेलिंग सेम होती है. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देखते हैं ही हैज रेड द बुक. वह बुक पढ़ चुका है. रेड हमारा क्या आ गया? मेन वर्ब. और हैज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे अगर देखो ऐसा होता है कि अगर हमें दो वर्ब्स दे रखी है तो उसमें से एक तो मेन वर्ब होगी और एक हेल्पिंग वर्ब होगी. और अगर सिर्फ एक ही वर्ब दे रखी है तो वो डिपेंड करता है कि वो अगर एक ही वर्ब दे रखी है तो ऑब्वियसली वो मेन वर्ब होगी. दूसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल अब देखते हैं. ही डज नॉट प्ले फुटबॉल. वह फुटबॉल नहीं खेलता. तो इसमें क्या है? डेली. ही डज नॉट प्ले फुटबॉल डेली. वह रोज फुटबॉल नहीं खेलता. ही सब्जेक्ट आ गया, डज हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है. प्ले हमारा आ गया मेन वर्ब. ठीक है, तो हम इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज लेते हैं. अब हम आते हैं फुल वर्ब्स मेन वर्ब्स पर. एग्जाम्पल देखो, शी इज अ गुड गर्ल. वह एक अच्छी लड़की है. तो इसमें मेन वर्ब कहाँ है? इसमें मेन वर्ब हमारी हो जाएगी इज. क्यों? क्योंकि यहाँ पे और कोई वर्ब हमें दे नहीं रखी है. यहाँ पे हम उसकी उस हम जो लड़की की बात, सॉरी, यहाँ पे क्या है? शी इज अ गुड गर्ल. ठीक है, वह एक अच्छी लड़की है. कोई काम यहाँ पे वो कर नहीं रही है, हम बस उसके बारे में बता रहे हैं. तो हम इज हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगी. दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं. ही हैज अ बुक. उसके पास एक किताब है. ठीक है, तो यहाँ पे हैज हमारा एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है. हम आते हैं ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली. वह ऑनेस्टली अपना काम करता है. ऑनेस्टली को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईमानदारी. वह ईमानदारी से अपना काम करता है. डज अगेन डज हमारे मेन वर्ब की तरह काम कर रही है. देखो ये वाला एग्जांपल देखो. आयरन इज अ मेटल. आयरन एक मेटल है. इज हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रही है. मेन वर्ब की तरह काम कब करेगी? जब या तो हम कमांड देंगे या हम किसी चीज की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में हम बोलेंगे या फिर हम एग्जिस्टेंस के बारे में बोलेंगे. एग्जिस्टेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो, आयरन एक मेटल है. इसमें एग्जिस्टेंस है. सच बात है, आयरन मेटल है. वुड तो नहीं है ना, तो हम मेन वर्ब का यूज यहाँ पे ऐसे लेंगे. आयरन इज अ मेटल, तो इसको हम बोलेंगे एग्जिस्टेंस. ठीक है, और अगर हम कमांड देते हैं कि मैं सबको बोल रही हूँ क्लास में कि बी क्वाइट, चुप हो जाओ सब. ठीक है, इसमें क्या? बी क्वाइट, सिर्फ दो वर्ड है. बी क्वाइट, बी क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब. ठीक है, और बी किसके? टू बी वाले जो सेंटेंसेस हमने पढ़े थे, इन द फॉर्म ऑफ टू बी, वाज, वर, इज, एम, आर. ठीक है, ही हैज अ बुक. उसके पास बुक है. है उसके पास बुक, वो कुछ काम नहीं कर रहा है. कोई और वर्ब नहीं दिख रही है हमें, तो हैज ही हमारी मेन वर्ब होगी. सो गाइज, वी आर डन विथ प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब. और सेकेंड जो हमारा है मॉडल्स ऑक्सिलरीज, तो उसके बारे में मैंने अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया है दूसरे वीडियो में. बट उससे पहले मैं कुछ छोटी सी चीज़ आपको उसके बारे में बताऊँगी. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उस पर आते हैं. अब हम आते हैं मॉडल्स पे. ठीक है, इसकी फॉर्म देखिए. मैंने क्या बोला था? मॉडल्स कभी भी अकेले यूज नहीं होंगे, उनके साथ मेन वर्ब होती है. तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस मेन वर्ब और बाकी आगे का सेंटेंस. ठीक है, अब हम एक एक करके मॉडल्स पे आते हैं. शॉर्ट में मैं बताऊंगी क्योंकि इनका मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आप नजर डाल लीजिए. पहला है कैन. कैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकता है. कैन को हिंदी में बोलते हैं सकता है. एबिलिटी, कैन शोज द एबिलिटी. सेकेंड है कुड. कुड को हम बोलते हैं सका या पाया. मैं वो काम नहीं कर पाया. पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, पास्ट एबिलिटी. और कुड का हम पोलाइट परमिशन के लिए भी यूज लेते हैं.
कुड आई हैव सम वाटर, ठीक है, पोलाइटली अगर हम परमिशन किसी से मांग रहे हैं तो हम कुड का यूज लेंगे. कैन का यूज हम इसलिए नहीं लेते हैं परमिशन, पोलाइट परमिशन के लिए, क्योंकि जो कैन है वो रूड साउंड करता है, ठीक है ना. ये सारी चीज़ें अगर आप खुद बोलोगे, सेंटेंसेस में देखोगे ना, तब आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी. हम आते हैं शुड पे. शुड का मतलब होता है चाहिए. शुड में हम एडवाइस देते हैं. फोर्थ है मस्ट. मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन इसमें कंपल्सरी होता है. शुड में कंपल्सरी नहीं होता. हमारा काम होता है एडवाइस देना. सामने वाले को बात माननी है तो मानो, वरना आगे निकलो. बट मस्ट में क्या होता है, चाहिए. हमने एक बार जो चीज़ बोल दी वो चीज़ होनी चाहिए, कंपल्सरी, जरूर होनी चाहिए. फिफ्थ है ऑट टू. ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन ऑट टू में हम क्या है, ड्यूटी एक्सप्रेस करते हैं, हम ड्यूटी बताते हैं. शुड में तो हम एडवाइस दे रहे हैं. हम कभी कभी शुड की जगह ऑट टू भी यूज कर सकते हैं, जब अगर सेंटेंसेस में ये हो कि हम ड्यूटी दे रहे हैं, ठीक है. आते हैं मे और माइट पे. इनका मतलब होता है सकता है, लेकिन कैन का मतलब भी सकता है होता है ना. तो इसमें डिफरेंस क्या है, मे माइट में ये डिफरेंस है कि पॉसिबिलिटी, यहाँ मे माइट में होता है 50% चांसेस होते हैं, ठीक है. और कैन में क्या होता है, 100% होता है कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ, ये मैं 100% श्योर हूँ. इट मे रेन टूडे, आज मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, बादल हो रहे हैं, तो मैं एक अनुमान अज्यूम कर रही हूँ कि आज बारिश हो सकती है, तो इसलिए हम मे का यूज करते हैं. और माइट क्या है, मे का पास्ट फॉर्म, ठीक है. फिर हम आते हैं विल और वुड पे. विल वुड करना होगा, करना पड़ेगा. वुड क्या है, विल का पास्ट फॉर्म हो गया, ठीक है. हम प्रोमिसेस कि हम फ्यूचर में हमें कुछ काम करना है, तो हम आई विल पिक यू अप एट अराउंड 6 PM, मैं तुम्हें 6 बजे के समथिंग उठा लूँगी मतलब, ठीक है ना, उठा लूँगी. तो ये क्या है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ खुद से, सामने वाले से, ठीक है, फ्यूचर एक्शंस के लिए. फिर हम आते हैं शैल पे. शैल का मतलब चाहिए होगा. फ्यूचर एक्शन में हम शैल क्या होता है, वो शैल भी फ्यूचर एक्शन डिनोट करता है, ठीक है ना. लेकिन शैल में हम 50% श्योर होते हैं. इसमें हम अश्योरिटी नहीं देते हैं कि हम वो काम करेंगे, हम परमिशंस पूछते हैं फ्यूचर एक्शंस के लिए. फिर आता है नीड नॉट. नीड नॉट ऑब्वियसली बहुत इजी. नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत. नॉट लग गया, ज़रूरत ही नहीं है. देखो नीड नॉट का मतलब होता है ज़रूरत नहीं है. नॉट कंपल्सरी. अगर मैं बाहर जाऊँगी, मैं देख रही हूँ सब्जी मंडी में, मैं जा रही हूँ चलो टमाटर ले लेते हैं, मम्मा से पूछती हूँ मम्मा टमाटर लेना है क्या, लेकिन मम्मा बोलती है नहीं बेटा टमाटर तो है यहाँ पे, तो बस आई नीड नॉट टू बाय टोमेटोज बिकॉज देर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज, ठीक है. तो ये हो गया हमारा नीड नॉट. ये हमारे हो गए मॉडल्स. वी आर डन विथ मॉडल्स, वी आर डन विथ वर्ब्स. इनका जो एक्सप्लेनेशन है आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, अच्छे से समझिए. एक्सरसाइजेस मैं आपको दूंगी, आप उनको करिएगा. इससे क्या होगा, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. थैंक यू सो मच.